गुजरात कोरोना वायरस की महामारी में भी अर्बुदा स्कूल वाचडाल गांव में सराहनीय कामगिरी। कोरोना वायरस की महामारी चल रही है तब वाचडाल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा मैदान में पेड़ पौधे लगाए गए। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ राज्य सरकार संक्रमण को रोकने के लिए कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। गुजरात में कोरोना वायरस को लेकर स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने का नहीं है। इस दौरान बनासकांठा जिले के धानेरा तहसील का छोटा सा गांव वाचडाल में आज ग्याम नेशनल न्यूज की टीम पहुंची। तब अर्बुदा स्कूल में पौधे लगाने का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान वाचडाल स्कूल के अध्यापक स्कूल के शिक्षकों और गांव के लोगों द्वारा मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए पेड़ पौधे लगाए गए। सभी शिक्षकों द्वारा स्कूल के मैदान में 150 से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए। ग्याम नेशनल न्यूज की टीम के साथ अध्यापक द्वारा बातचीत करते समय बताया गया कि अभी कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, स्कूल में विद्यार्थियों को बुलाया नहीं जा रहा है। तब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है कि स्कूल के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन घर पर ही शिक्षण दे रहे हैं और उनके परिजनों को भी बच्चों को घर पर पढ़ाए जाएं ताकि बच्चों का शिक्षण कार्य बिगड़ेगा नहीं। वाचडाल गांव के अर्बुदा स्कूल में पेड़ पौधे का कार्यक्रम के दौरान स्कूल के अध्यापक श्री घनश्याम भाई पंचाल साहेब, हिमंत सिंह देवला साहेब, रणछोड़ भाई पटेल और स्कूल के शिक्षकों की मौजूदगी में मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए कार्यक्रम का समापन किया गया। ग्याम नेशनल न्यूज की टीम धानेरा तहसील के वाचडाल अर्बुदा स्कूल में पहुंची है। वहां पे आज वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है। वहां पे हमारे साथ स्कूल के प्राध्यापक मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है स्कूल का? अर्बुदा एजुकेशन वाचडाल संचालित स्कूल है ये। इसका पूरा नाम है श्रीमती आर आर कात्रोटिया अर्बुदा प्राइमरी और सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल वाचडाल। अपने स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? करीबन 500 स्टूडेंट अभी फिलहाल है, लेकिन कोरोना की वजह से स्कूल के अंदर स्टूडेंट बच्चों को भी बुलाया नहीं गया। स्कूल में जो हेल्प करने के लिए बाहर से आते थे उन ग्रामीण और स्कूल का जो स्टाफ था उन्होंने ये सब काम किया है। सर, यहाँ पे कितने पौधे लगाए गए? करीबन स्कूल के अंदर हमने दांतेवाड़ा जो नर्सरी फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट है वहाँ से जो पौधे लाए हैं उन पौधों में ज़्यादातर छाया के लिए, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बैठने में हेल्पफुल हो सके, ऐसे ही ज़्यादातर पौधे लगाए हुए हैं। और करीबन 150 के आसपास, जो कि बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, वहाँ पे ग्राउंड के किनारे पे भी और इस ग्राउंड में फिलहाल अभी पौधे लगाए हैं। सर, यहाँ पे आपने पौधे लगाए, यहाँ पे कोरोना वायरस की अभी महामारी चल रही है तो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो आप बच्चे के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो ये वैश्विक महामारी है जिसका हम सबको सोशल डिस्टेंस और मास्क के साथ पालन करना चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी कर रही है, बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा इस बाबत में सचेत होना चाहिए। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन के विषय में जो अभी गाइडलाइन तैयार की हुई है कि घर पे बैठे हुए बच्चे पढ़ेंगे पढ़ाई करेंगे, तो जो पेरेंट्स है बच्चों के उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे घर पे बैठे हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, इस बाबत की खातिरदार रखें। और कोई भी उन बच्चों को जो क्वेश्चन से क्वेरी है तो ऑनलाइन माध्यम के हिसाब से वो अपने जो सर स्कूल के जो टीचर्स है उनको भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। बनासकांठा जिले के संवाददाता पारस मोदी की रिपोर्ट।